और आप मेरे साथ हैं कंप्यूटर टीम भाई वसीम शाहगर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएस पार्ट वन का यूनिट नंबर वन, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि कंप्यूटर क्या है, उसको हम मुख्तलिफ डेफिनेशन के साथ जो है शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कौन से मेन कंपोनेंट्स जो मिलकर कंप्यूटर की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। कंप्यूटर बताते खुद क्या है, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपके माइंड में स्केच आ जाता है, जिसमें एक क्या है कि एक स्क्रीन है, इसको मॉनिटर, एलसीडी, कीबोर्ड है, सिस्टम यूनिट है, स्पीकर, माउस। ये एक जो फिजिकल आपके सामने एक स्केच आप बना लेते हैं जब भी आपके सामने कोई कंप्यूटर का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होगी, जिनमें से आप सेलेक्ट करके किसी भी डेफिनेशन को आप पेपर में आप राइट कर सकते हैं। हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ फोकस कीजिएगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब यहां पर एक पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से क्या मतलब, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो करंट से चलने वाली मशीन है। करंट की कौन सी फॉर्म, आप जानते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो है उसके टू फॉर्म है, एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। एसी जिसकी वेव्स की फॉर्म होती है, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट जिसमें आप जीरो और वन की फॉर्म ऑन ऑफ या जो है ऑन ऑफ या जीरो वन की फॉर्म आप यूज करते हैं। कंप्यूटर जो है वो डीसी करंट यूज करता है। ऐसी तमाम डिवाइसेस जो डीसी करंट यूज करती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डाटा एज ए इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अपने लिए क्वेश्चन के तौर पर डाटा हमसे कलेक्ट करते हैं। अब वो कौन से डिवाइसेस के जरिए हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, नाम सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है वो माउस और कीबोर्ड है। उसके बाद जब उसको डाटा मिल जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने प्रोवाइड की होंगी कि आपने मेरा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है, लाइक अगर आप मैथ की एग्जाम्पल लगा लें कि आपने दो वैल्यू प्रोवाइड की है 7 और 2 और आपने उसको इंस्ट्रक्शन ये दी है कि हाँ इसको आपने ऐड करना है। अब उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन मिली है वो एडिशन की है, तो उसने उसको प्रोसेस करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी होंगी। उसके बाद जब उसको वो प्रोसेस कर देगा, उसको वो आउटपुट में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा और जो कि हमारा रिजल्ट होगा। अब कंप्यूटर जो है उस जब आपने उसको इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा प्रोवाइड किया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, प्रोसेस करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, अब वो आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन बन गई है। कंप्यूटर की आम मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बता दूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, इट कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड आउटपुट। कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज अ कंबिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर जो है वो दो चीजों पर कंसिस्ट करता है, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, जो भी मैंने आपको सबसे स्टार्ट में एक स्केच बनाया कि कंप्यूटर की जो मशीन है जिसमें सीपीयू है, जिसमें सिस्टम यूनिट आ जाता है, जिसमें कीबोर्ड आ जाता है, जिसमें माउस आ जाता है, ये एक मशीन है और इसको हार्डवेयर कहते हैं। दूसरा जो उसका कंप्यूटर का मेन पार्ट है वो है सॉफ्टवेयर। अब जो कंप्यूटर को इस मशीन को चलाने के लिए जो जितने भी हम प्रोग्राम यूज करते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर इज अ कंबिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये तो है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एज इनपुट के तौर पर डेटा कलेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, उसके बाद जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती है उसके मुताबिक उसको उसने उसको प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस करने के बाद वो जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि आप उसको
बाद में इस्तेमाल करने के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ये तो हो गया कंप्यूटर। उसके बाद आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स, कौन से वो अहम पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो उसको एक कंप्यूटर की फुल शेप प्रोवाइड करते हैं। उसमें आ जाता है इनपुट, जो कुछ भी हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट कहलाता है। अब किस डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए हम वो डाटा कंप्यूटर में एंटर करेंगे, वो उनको हम कहेंगे वो इनपुट डिवाइसेस है। एक मैं आपको एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा अपना जो है, कोई भी डाटा है, टेक्स्ट फॉर्म का है, वो डिजिट फॉर्म का है, उसको हम नॉर्मली जो है वो कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो पहले कंप्यूटर का जो कंपोनेंट, जो अहम कंपोनेंट, वो है इनपुट है। उसके बाद है प्रोसेसर। जब कंप्यूटर को इनपुट हम प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद उसने प्रोसेसिंग करनी होती है। अब प्रोसेसिंग कंप्यूटर का कौन सा यूनिट करता है, वो है सिस्टम यूनिट, जिसको आम अखबार में हम सीपीयू भी कहते हैं, जो कि एक रॉन्ग टर्म है और फेमस है, लेकिन इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सीपीयू को बेसिकली सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसको सीपीयू कहते हैं, तो जिसने सारी की सारी प्रोसेसिंग करनी होती है। एक्चुअली कंप्यूटर का मेन पार्ट जो है वो सिस्टम यूनिट है। उसके बाद दूसरा जो है वो आउटपुट। जब आपने उसको इनपुट प्रोवाइड कर दी और उसने उसको प्रोसेस कर दिया सिस्टम यूनिट के यूज करते हुए, उसके बाद उसने आपको वो रिजल्ट जो है, जो उसने जनरेट किया है, वो आपके सामने उसने डिस्प्ले करना है। उसके लिए वो जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेगा वो जो है आउटपुट डिवाइस होगी। और वो नॉर्मली जो किस डिवाइस का इस्तेमाल, जो मोस्टली किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, वो स्क्रीन पहले वक्तों में जो है मॉनिटर यूज होते थे, अब जो है वो LCD यूज होती है। इसके बाद लास्ट जो इसका कंपोनेंट वो है, मेन कंपोनेंट की बात हो रही है, लास्ट जो है वो है स्टोरेज। अब आपके सामने रिजल्ट भी आ गया, अब आप इसको अगर चाहते हैं कि मैं इसको दोबारा यूज करना चाहूंगा तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मीडियम होते हैं, आप उसको रोम में सेव कर सकते हैं, आप उसको हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, ताकि आप लेटर यूज का कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या है, उसकी मैंने आपके सामने दो डेफिनेशन रखी और कंप्यूटर की डेफिनेशन के हर पॉइंट को मैंने डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है फर्दर जो है वो कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि कंप्यूटर के कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जिनका हम जो कंप्यूटर को एक फुल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को काम करने के काबिल बनाते हैं, और उसमें कौन से थे, इनपुट था, प्रोसेसिंग था, आउटपुट था, और लास्ट में स्टोरेज था। थैंक यू।